एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गेस व्हाट, 3 दिन में क्या है, मेरा बर्थडे एंड आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड। प्रिटेंड कर रही हूँ, आई वुड बी टर्निंग 19 एंड आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्यों? बिकॉज आई एम ग्रोइंग ओल्ड और ये मेरा फियर था बहुत टाइम से। आई वुड बी शोइंग यू कि मैंने अपने बर्थडे पर अपने लिए क्या खरीदा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और या फिर क्या किया। सो दिस इज माई बर्थडे वीक। आपको ये जो वीडियो है ये मिलेगी बाद में, लाइक आफ्टर माई बर्थडे वुड बी फिनिश्ड। यूजुअल बर्थडे की डेफिनेशन जैसी होती है, आई डू नॉट लाइक सेलिब्रेटिंग बर्थडेज इन दैट वे। ऑल्दो आई वेंट टू अ केक क्वालिटी दुकान, बट इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई गॉट पॉप्स जो मुंह में बचते हैं। ये मैं बचपन में खाती थी, जब से मुझे याद है मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ तब से मैं ये हर बर्थडे पे लाती थी, सिर्फ बर्थडे पे और नहीं। ये बेकरी में मिलता था, मैं बड़े कई सालों से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ कुछ प्रॉपर। इस बार कुछ नहीं, मैं अपने हाथ। सेकेंडली आई बॉट पान फॉर माई सेल्फ, क्योंकि देखो एक तरीके से आप अपने आपको ट्रीट करना, बहुत टाइम से मैंने पान नहीं खाया तो मैंने सोचा क्यों नहीं। वाह, इतने दिनों बाद पान खाया, मुझे इतनी खुशी मिल रही है। शादियों में खाती थी पहले मैं, और 2 लेके भी आती थी। मेरे अंकल ने कहा था पान चूसना चाहिए फ्लेवर ले लेके, मजा आ गया। देखो 19 पौधे, 19 नंबर थोड़ा अजीब लगता है, तो इसीलिए एज मेनी प्लांट, जितने प्लांट फिट हो सके प्लांट करवा दिए। और मैक्सिमम इसमें आंवले के थे, अपने उसके थे क्या बोलते हैं, बिल्व के थे कुछ, लेट अस काउंट हाउ मेनी ट्रीज आर हियर। एंटायरली मैंने पोज किया है, majority of the work is done by him. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है ये पूरी, और इसके आगे भी जो डिवाइडर है वहाँ पर भी जो पौधे लगे हुए हैं, क्रेडिट्स टू माई फादर। आई परचेज क्लोथ्स, अब ये जो कपड़े हैं ये मैंने बहुत टाइम पहले से लाए थे और अब ये थोड़ा एक साथ आके मैंने ऑर्डर किए थे। एक तो ये जो मैंने अभी पहन रखे हैं, कलरफुल वन, जस्ट लाइक माई पर्सनैलिटी, इट हैज डिफरेंट शेड्स, आई एब्सोल्युटली लव इट। इतना ही कह पाऊंगी मैं, और इसके बटन ही नहीं, जो भी है इट इज कूल और कंफर्टेबल तो है ही। ये काफी सिंपल सी है, बट दिस इज फॉर सिंपल ओकेजन्स। तो मुझे ग्रे कलर काफी पसंद नहीं है, बट दिस इज ग्रे ब्लूइश एंड इट्स क्यूट।
शोइंग माई बॉडी. ये मॉडल पे काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको खरीद लिया. दिस इज यूजुअली हाउ माई ब्रेन वर्क. मैं फटाफट तो शॉपिंग में ऐसे करती हूँ जैसे कोई होमवर्क हो, फटाफट से देख के कुछ भी चूज करके ले लिया. और मैंने ये रियलाइज नहीं किया, इवन दो इट इज वेरी प्रिटी, और अगर कोई पार्टी हुई डिस्को और बार वगैरह में दिस वुड बी द परफेक्ट ड्रेस. बट मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि इसके जो सीक्वेंस हैं, ये जो चमकीले वाले जो हैं, ये हर वक्त जब इसको पहनती हूँ या फिर निकालती हूँ इट ऑलवेज फॉल्स ऑफ. ये जो छोटी छोटी बटरफ्लाइज हैं, दे वर द थिंग्स दैट दे वर वन ऑफ द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड मी. और ये आई थिंक मेन है ये, तो इट इज क्यूट. यूजुअली जो कपड़े हैं काफी कैजुअल दिखेंगे यहाँ पर आपको, बट दिस वन इज द वन कि हाँ इसमें लगेगी हाँ थोड़ा बहुत तो इसमें हाँ. इट लुक्स अ लिटिल नॉट कैजुअल. ये मैं घर पे नहीं पहनूंगी ऑब्वियसली, तो ये इनमें से थोड़ा बहुत सा एक एक्सेप्शन है. मेरी क्लोजेट के कुछ एक्सेप्शन में से ये एक एक्सेप्शन है. ओके सॉरी 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 ब्लेस मी. हाँ तो अब मैं आपको जो ड्रेस दिखाने वाली हूँ मैं आपको एक्चुअली मैं यहाँ नहीं दिखाने वाली हूँ. एक्चुअली में वो जो ड्रेस है वो अभी लॉन्ड्री में है. मैंने उसको एक बार पहना था रक्षाबंधन पे, तो मैं आपको वो दिखा दूंगी. ठीक है एंड नेक्स्ट आई बॉट चेन, चांदी की चेन जो मैंने अभी पहन भी रखी है. तो ये तो काफी मैंने पहले खरीद ली थी बट एनीवे मैं चाहती थी कि एक चेन हो बिकॉज चेन लुक्स अ लिटिल कूल और मेरे अंदर कूलनेस का सी भी नहीं है. Usually I do not like watching movies in a theater या फिर ऐसे ही, क्योंकि movies काफी boring है, especially Bollywood movies. Love stories और काफी shallow होती हैं, आप कुछ सीख नहीं सकते. Anyway, पता नहीं क्यों तो I watched a movie जिसका नाम था 12 Years a Slave. Oscar वगैरह भी मिल चुका है and it was actually very very emotional. और आप believe नहीं करोगे, आप believe कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, तो मैं उस movie को देखकर रोई. और मैंने सोचा कि मैं जो complain करती रहती हूँ फालतू चीजों के बारे में, मेरी life कितनी difficult है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू थिंग्स. मतलब एक चुटकी में आपका संसार ऐसे परिवर्तित हो सकता है, वो काफी एक एक्सट्रीम चीज थी. बट स्टिल एक्सीडेंट्स होना या डेथ होना एक सेकेंड में, यू डू नॉट नो वट इज गोइंग टू हैपन एंड दैट समहाउ मेड मी फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट लाइफ. आनंद भी एक मूवी है विच मेक्स मी क्राई ऑल द टाइम. काफी काफी सिंपल था वैसे मेरा बर्थडे. मैंने पिछली बार बनाया था और एक साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं लगा. Now, we will be talking about birthdays in general, ठीक है? Because I don't have anything to talk about, तो इसलिए हम birthdays के बारे में बात करेंगे. पहली बात तो birthday celebrate करने का मुझे कोई तुक नजर नहीं आता है. खुशियों को celebrate करने के मौके ढूंढने चाहिए, मतलब खुशियां मनाने के मौके ढूंढने चाहिए. I agree, but मेरा इसमें क्या contribution था? आज मान लो मैंने कोई बहुत बड़ा achievement किया, मान लो मेरे 1 million subscribers हो गए. Anything can happen इस दुनिया में, तो जहां पर टिकटॉक पे 5 सेकंड ये करने पे लोग स्टार्स बन जाते हैं, तो व्हाई नॉट. अगर मान लो मेरे 1 million सब्सक्राइबर हो गए और तब केक काटे या फिर ये सारी चीजें करें, तब आई कैन एग्री कि हाँ इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू सेलिब्रेट. पर जिस चीज में मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, मे बी मुझे समझता है कि मेरा बर्थडे ना मेरे पेरेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए. मैंने क्या कर लिया दुनिया में आके, और अब तो उखाड़ा भी क्या है मैंने कि लोग मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करें, तो आई डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट. और ये मेरा आखिरी साल है एज अ टीनेजर, और मैं अपनी बेवकूफों जैसी हरकतों को मुझे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, बट मैं नहीं रोकूंगी. और पता बड़े होने से याद है, मेरे जो फ्रेंड्स थे फीमेल फ्रेंड्स, दे आर गेटिंग मैरिड. मेरी कजन की भी शादी होने वाली है, मतलब वो भी मुझे 3-4 साल 4-5 साल बड़ी है. तो मुझे तो डर लगने लग जाता है सब चीजों से. ओके एंड ऑन नाउ, अब मैं मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे या फिर दुनिया भी एक्सपेक्ट करेगी कि मैं अपने कदमों पे खड़ी हो जाऊं. आई हैव टू बी एन एडल्ट, अर्न माय मनी एंड ऑल दैट, एंड इट मेक्स मी फील अफ्रेड. आल्सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट कि आई एम एक इंडिपेंडेंट इंसान बनने में. दिस इज अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ. और कॉलेज वगैरह जाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड थी, बट 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया है मुझे अपने घर पे एंड आई एम ट्राइंग टू लाइक यूटिलाइज इट एज मच एज आई कैन. ऑल्दो अकेले रहने का देखो, मैं मैक्सिमम टाइम अकेले रहती हूँ, बट एनी वे दिस इज माई हाउस जहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ. यू नो बींग इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट ऑल टुगेदर इन फ्रंट ऑफ इन विद पीपल जो आपको जानते नहीं है, एक नई इमेज बनाने का मौका मिलता है ना.
मेरी पुरानी सारी इमेज क्रॉस है, मतलब मैंने पहले जितनी कांड करे हैं पीपल आर नॉट टू केयर अबाउट इट, अभी नई इमेज बनानी पड़ेगी मुझे वहां पे, तो दैट फील्स लाइक यस अब तो कुछ, अब कुछ नया होने वाला है, बट कोई बात नहीं, अब मैं रेंट नहीं करूंगी कॉलेज के बारे में, ये दिस माय प्रॉमिस, दिस माय रिजोल्यूशन फॉर माय 19th बर्थडे। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ ला सकते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड जो विश करने वाले हैं मुझे पता है। मैंने अपने लिए केक भी बनाया पता है, एक्चुअली में वो केक नहीं था, ऑनेस्टली इट इज समथिंग, उसकी रेसिपी मैंने देखी थी, ओट्स को ब्लेंड वगैरह करके 2 मिनट में केक बनाने का था, अप्रॉक्सिमेट 2-2.5 मिनट में वो बन जाता है, तो मैंने वो केक बनाया खुद के लिए, ऑनेस्टली इट वॉज पथेटिक, पर इतना भी बुरा नहीं था, खाने लायक तो था। या दैट वॉज अबाउट इट, नाउ यू आर गोइंग टू सी अ इवॉल्व्ड रिवॉल्यूशनाइज्ड, गलत वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, बट एक डिफरेंट वर्जन ऑफ मी इन दिस ईयर, एंड आई होप कि मेरे चैनल की ग्रोथ थोड़ी बहुत तो हो यार, मेरे 860 सब्सक्राइबर्स है पिछले 2 महीनों से, आई नो सब्सक्राइबर्स वगैरह से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट आई होप दिस ईयर मैं कुछ थोड़ा बहुत तो उखाड़ू इस प्लेटफॉर्म पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू।